कहते हैं कोई भी शख्स कामयाब होता है तो उसके पीछे एक औरत का हाथ होता है, ये सच है। लेकिन ये भी सच है कि एक शख्स, चाहे आदमी हो या औरत, अगर वो कामयाब होता है तो उसके पीछे एक माँ का हाथ होता है। कहते हैं ना, खुदा ने अगर इंसान को सबसे बड़ी नेमत बख्शी है तो वो है सिर्फ माँ। इसी माँ को सलाम करने के लिए इंतजार में है मुस्लिम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस के हाजी नूर मोहम्मद खातून बेगम फाउंडेशन, जो कामयाबी की नींव एक माँ से कहना चाहते हैं, माँ तुझे सलाम। पहले जल्दी से जान लीजिए कि मुस्लिम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस क्या है, उसके बाद माँ तुझे सलाम के बारे में तफसील से बताएंगे। तो मुस्लिम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस हाजी नूर मोहम्मद खातून बेगम फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। पिछले साल उदयपुर के मुस्लिम समाज के उन लोगों को सम्मानित किया गया था जिन्होंने समाज के अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाई, जिन लोगों का सिलेक्शन वोटिंग के आधार पर था, जिसमें 4,00,000 लोगों ने वोटिंग की थी और वो अवार्ड फंक्शन अपने आप में पहला अवार्ड फंक्शन था। वहीं मुस्लिम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस अब लेकर आ रहे हैं माँ तुझे सलाम। माँ वैसे शब्द ही ऐसा है जो अपने आप में इतना बड़ा है कि उसको क्या कोई सम्मानित करेगा, लेकिन माँ तुझे सलाम के बहाने मुस्लिम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस के हाजी नूर मोहम्मद खातून बेगम फाउंडेशन की ये कोशिश है कि कामयाबी के चेहरे को खड़ा करने वाली जो नींव है, यानी कि एक माँ, उसके संघर्ष कैसे होते हैं, उसको लोगों के सामने लाया जाए। क्योंकि आज समाज में जो कामयाबी की बुलंदी पर है या समाज में एक चेहरा बने हुए हैं, उनके पीछे उनके वालिदैन के क्या संघर्ष हैं, जो जद्दोजहद रही, वो भी पता चल सके। तो इसलिए इस बार मुस्लिम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस के जरिए हाजी नूर मोहम्मद खातून बेगम फाउंडेशन उस माँ को इज्जत बख्शेगा। मुस्लिम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस का माँ तुझे सलाम उन मुस्लिम और बोहरा समाज की माओं के लिए है जिन्होंने अपने बेटे को हर हाल में, हर सूरत में जिंदगी की जद्दोजहद करते हुए इस काबिल बनाया कि वो एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे। इस अवार्ड के नॉमिनेशन शुरू हो गए हैं और इसमें नॉमिनेशन देने के लिए आपको कुछ बातें साफ तौर पर समझ लेनी है जो यहाँ हम सिलसिलेवार बता रहे हैं। नॉमिनेशन मुस्लिम और बोहरा समाज के कामयाब बेटा बेटी अपनी माँ के लिए भेज सकते हैं। कामयाबी में अपनी माँ का योगदान 250 शब्दों में लिखकर भेजना होगा। अपनी कामयाबी को भी 250 शब्दों में लिखकर भेजना होगा। नॉमिनेशन 7217631196 पर व्हाट्सएप या फिर awardmuslim@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। नंबर और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। नॉमिनेशन को सोशल मीडिया पर पब्लिश किया जाएगा, वहां पर वोटिंग के आधार पर ही 20 नॉमिनीज को चुना जाएगा। अब कामयाब बेटा बेटी का मतलब भी समझ लें। कामयाबी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई अधिकारी बन गया या फिर कोई बिजनेस में बड़ा काम किया हो। कामयाबी के सही मायने ये हैं कि एक माँ जिसने हर विपरीत हालातों में संघर्ष कर अपने बच्चों की अच्छी तरबियत की, पढ़ाया लिखाया, एक जिम्मेदार, कानून की इज्जत करने वाला, रहम करने वाला, दूसरों के लिए मोहब्बत रखने वाला एक रहम दिल इंसान बनाया, वो भी कामयाब ही है। एक माँ ने किस तरह से संघर्ष कर बेटा बेटी को काबिल बनाया, बस वो संघर्ष की कहानी आपको कहनी है, हमें बतानी है। कुछ नियम हैं इसके, वो भी जान लीजिए। उदयपुर संभाग का मूल निवासी होना। फाउंडेशन के किसी भी सदस्य परिवार को नॉमिनेट नहीं किया जा सकता। इन अवार्ड्स पुरस्कार के लिए कोई भी किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष फीस नहीं है। फाउंडेशन निम्नलिखित आधार पर किसी भी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर सकता है, जिसमें अपूर्ण नामांकन, नॉमिनेशन हो सकता है, गलत या त्रुटिपूर्ण या अधूरी जानकारी भी हो सकती है। फाउंडेशन बिना किसी कारण या तर्क बताए बिना, किसी पूर्व सूचना के एवं किसी भी नियम, समारोह, पुरस्कार नियमों, मानदंडों को विस्तारित या रद्द कर सकता है। फाउंडेशन के इस अधिकार को किसी भी फोरम पर कोई भी चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर पर्याप्त मात्रा में या अपेक्षा अनुसार स्तर के नॉमिनेशन ना आए तो भी अवार्ड कैंसिल किए जा सकते हैं। हर नॉमिनेशन के साथ निम्नलिखित जानकारी आप भेजिए। पहला, माँ का नाम, बच्चे का नाम, दोनों की उपलब्धियां 250-250 शब्दों में, आपके व्हाट्सएप नंबर, आपका फोन नंबर। इस अवार्ड से जुड़ी जानकारी CBC न्यूज राजस्थान के जरिए आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे।